कोरोना वायरस को लेकर जो ऑफकोर्स खेल की दुनिया में जो रुकावट आई है, आपको एक बार ये दिखा देते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जैसे यहाँ पे देखें, एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 होने वाला था यहाँ पे बांग्लादेश में, वो टाला गया है। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो भी टाला गया है। पीएसजी वर्सेस बोरुशिया डॉर्टमुंड जो यूएफए चैंपियंस लीग में खेला गया था कल रात को, वो खाली स्टेडियम में खेला गया। एनबीए यानी कि बास्केटबॉल लीग, वो अभी तक उन्होंने ऑफकोर्स पोस्टपोन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। टॉर्च लाइटिंग इन ग्रीस फॉर द ओलंपिक्स, उसको भी ऑफकोर्स खाली स्टेडियम में किया गया। एंड ऑफकोर्स न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन, वो रद्द किया गया। साथ ही साथ आपके यूवेंटस के खिलाड़ी हैं जो इटालियन लीग में खेलते हैं, ही इज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। ऊपर से एक और खबर आई कि जो भी हाल ही में इंडिया विमेंस और ऑस्ट्रेलिया विमेंस के बीच में जो फाइनल हुआ था, उस एमसीजी में जो 86,000+ लोग जो थे, उनमें से एक स्पेक्टेटर वीरू भाई, ही इज बीन टेस्टेड, ही और शी इज बीन टेस्टेड पॉजिटिव। सो प्रीएम्प्टिव होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, खेल तो बाद में, सबसे पहले तो हेल्थ कीपिंग ऑल ऑफ दैट। एक भाई ग्राउंड पे तो क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, यहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं ना वो ध्यान रखें। मैं नहीं चाहता कि हम लोगों को किसी को ये कोरोना वायरस आए। तो हमारा एनवायरनमेंट अभी तक सेफ है, कितनी देर इसको सेफ रख सकते हैं वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई यहाँ पे जैसे ही स्टूडियो में कोई खांसी आएगी हम तो बाहर कर देंगे उनको। हाँ, या तो हम बाहर कर देंगे, हम उठ के खुद बाहर चले जाएंगे। दो में से एक काम करेंगे। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ये फीवर है, कफ है, या इवन छींकें भी आ रही हैं, तो भी आप ग्राउंड में ना जाएं, दूर रहें, अपने एक कमरे में बैठ कर आराम से टीवी के आगे मैच देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो वही है, सिर्फ अवेयरनेस है और कुछ नहीं है। अगर आप जितना खुद अवेयर रहेंगे और दूसरों को अवेयर करेंगे, शायद ये वायरस कम फैलेगा। सर वैसे द रीज़न हम लोग वो दिखा रहे थे, ऑल द स्पोर्टिंग इवेंट्स जो इफेक्ट हुए हैं उस कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि अभी 29 मार्च को आपका आईपीएल शुरू हो जाएगा। अब काफ़ी बातचीत शुरू हो जाएगी कि आईपीएल खेलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्लोज डोर्स पे होना चाहिए। आपके हिसाब से बड़ा, क्योंकि आप एक टीम का हिस्सा भी हैं, काफ़ी मुश्किल यहाँ पे पड़ाव है फॉर ऑर्गेनाइजर्स, टीम्स, एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल माहौल है, और इतना आसान नहीं होगा ये डिसीजन लेना कि क्योंकि आप जैसे दिखाया कि वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये एक सीरियस माहौल है। तो अभी मीटिंग होने वाली है, मेरे ख्याल से परसों शायद बीसीसीआई के लोग बैठेंगे और इसके बारे में डिस्कशन होगा कि क्या करना है, आईपीएल के बारे में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो वक्त बताएगा। पर गंभीर समस्या है और ये सीरियस एक माहौल है इस टाइम पे। मेरे ख्याल से मुझे डर ये है कि कहीं जो प्लेयर्स हैं बाहर के, फॉरेन प्लेयर्स, वो भी शायद अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा और तो वो भी शायद बोले कि नहीं, मैं अब इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे। और हमारे गवर्नमेंट ने भी मना किया, वीज़ा बंद कर दिया, वीज़ा अलाउ नहीं कर रहे कि बाहर के लोग यहाँ इंडिया इंटर नहीं कर सकते, उस पर भी उन्होंने लगाम लगाई है। तो ये बहुत ही सीरियस माहौल है। अब देखते हैं एक दो दिन में क्या निर्णय निकल के आता है, जो परसों मीटिंग के बाद समझ में आएगा। पर कैफे से आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज फॉरेन प्लेयर्स नहीं रहे इस बारी आईपीएल में, क्योंकि आपको वीजा नहीं मिल रहा अंदर आने का, तो विद एन ऑल इंडियन टीम पॉसिबल होएगा आप लोगों का कि बैलेंस बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा आप लोगों का? नहीं, तो इट विल नॉट बी द सेम टूर्नामेंट ना, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स खेल तो सकते हैं, बैलेंस तो बिगड़ेगा बहुत बुरी तरह टीम बिगड़ेगा। वही तो बोल रहे हैं, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे जो चार खेलते हैं 11 में, तो वो सेम टूर्नामेंट नहीं रह जाएगा। आप ये पूछ रहे हो कि इंडियन प्लेयर्स से हम आगे बढ़े टूर्नामेंट में, या अगर पब्लिक भी ग्राउंड पे ना आए मैच देखने, सिर्फ टीवी पे मैच देखे बैठ के, तो वो सेम माहौल टूर्नामेंट का नहीं रहेगा, वो तो इफेक्ट तो पड़ेगा इसका। बट एक चीज़ है कि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये चार देशों के खिलाड़ी हैं जो आने वाले हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर अभी तक ऐसी कोई पता नहीं चला कि वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया है ये वायरस। तो बट ये कि हाँ, वो आएंगे कैसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अगर वाया सिंगापुर आ रहे हैं और सिंगापुर में उन्होंने कैच कर लिया वायरस, फिर वो इंडिया एंटर करेंगे, तो वो एक गड़बड़। अगर वो डायरेक्ट आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से सीधा इंडिया, तो शायद कम चांसेस है कि वो प्लेयर वायरस लेकर आए। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका से तो डायरेक्ट फ्लाइट है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इंग्लैंड से भी, तो जो जिस कंट्री चाइना के आसपास है, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, या यूरोप में इटली में हमने सुना कि सबसे ज़्यादा, तो अगर वहाँ आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और अपनी कंट्री से डायरेक्ट इंडिया में आ रहे हैं, तो शायद फिर भी आप सेफ एज ए प्लेयर। हाँ, होने को कहीं भी कैच कर सकते हो आप, लेकिन जितनी सावधानी बरतेंगे उतना बेहतर है कि आप ट्रैवल करते वक्त तो अपना मास्क लगाएं, अपने हाथ धोते रहें, अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रख के हाथ पोछते रहें, किसी के साथ बैठे ना, डिस्टेंस मेंटेन करें, वो सब करते रहेंगे इंडिविजुअल प्लेयर्स, तो शायद चांसेस है कि आईपीएल हो। क्योंकि ये टूर्नामेंट कोई नहीं मिस करना चाहता, ना खिलाड़ी, ना दर्शक, ना हम लोग, क्योंकि सबको इस समय का इंतज़ार रहता है कि कब आईपीएल होगी और कब हम सब लोग उस आईपीएल का मज़ा लेंगे। तो ये एंटरटेनमेंट है पब्लिक के लिए, तो चाहेंगे सब लोग ये कि आईपीएल हो,
बट जैसा कैफ ने कहा कि अगर दर्शक नहीं आएंगे तो वो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप खेलते किन के लिए, अपने फैंस के लिए खेलते, और ग्राउंड में खाली स्टेडियम में खेलने का कोई मज़ा नहीं। तो वीरू भाई, वुड यू, जो हमने अभी ग्राफिक आपको दिखाया था, उनके पास क्या लग्जरी है? उनके पास एक दो महीने का विंडो नहीं है। यू सपोज दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, क्योंकि इस दो महीने के विंडो के बाद अगर आपने ये विंडो मिस कर दिया तो फिर आईपीएल नहीं हो सकता फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल वही है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम लोग ये दो महीने ना खेल के चार महीने के बाद आईपीएल खेले, क्योंकि उस समय फिर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, फिर वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये दो ही महीने हैं जिनमें ये आईपीएल हो सकती है, या फिर आप जो सितंबर अक्टूबर का समय होता है तो उसमें भी फिर आप लंबी आईपीएल नहीं कर सकते, आप छोटी आईपीएल कर सकते हो, कि आप 14 मैच एक टीम के नहीं हो सकते, तो शायद 6 या 7 मैच हो सकते हैं, वो छोटी आईपीएल हो सकती है, बट उसमें भी फिर आपकी अवेलेबिलिटी, अवेलेबल प्लेयर अवेलेबल होना चाहिए कि कंट्री उनको रिलीज भी करे, तो वो एक इशू है। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी ये वायरस फैल रहा है तो उसके कारण आईपीएल नहीं होगी, क्योंकि प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिक को ही नहीं बोल सकते कि भाई आप घर बैठो, काम पे मत जाओ, ये मत करो, या प्लेयरों को ये बोलो कि आप खेलो मत, अपने घर में रहो, वो ज़रूर होगा, बट आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, आप वहाँ पर ग्राउंड पर सारी फैसिलिटीज़ रख सकते हैं, डॉक्टर्स रख सकते हैं कि इमीडिएटली किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लुक आफ्टर करें, हॉस्पिटल लेके जाएं, वो सब ज़रूर कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि आईपीएल होनी चाहिए और पब्लिक को भी मैच देखने के लिए आना चाहिए। आप लोग सावधानी बरतनी चाहिए सिर्फ जी, सावधानी बरतनी, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।